अब आगे बढ़ते हैं। केदारनाथ धाम में बदला मौसम का मिजाज और केदारनाथ धाम में बर्फबारी लगातार हो रही है। बर्फबारी की वजह से यात्रा की तैयारियां प्रभावित। बिल्कुल, 6 मई को केदारनाथ धाम के कपाट खुल जाएंगे। चार धाम यात्रा की शुरुआत 3 मई से हो रही है, लेकिन बर्फबारी की वजह से जो तैयारियां हैं वो भी प्रभावित हो रही हैं। बर्फबारी किस तरीके से वहां पर हो रही है, ऐसे में जितनी तैयारी श्रद्धालुओं को करनी होगी वहां जाने को लेकर, उतनी ही तैयारी प्रशासन की ओर से भी की जाएगी, सरकार की ओर से भी की जाएगी, क्योंकि लगातार केदारनाथ धाम में बर्फबारी हो रही है और बर्फबारी की वजह से परेशानी भी होगी। अब ये देखिए केदारनाथ धाम की ये कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, बर्फबारी किस तरीके से वहां पर हो रही है आप तस्वीरों में देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। हर तरफ बर्फ की सफेद चादर ढकी हुई नजर आ रही है। केदारनाथ धाम में बर्फबारी की तस्वीरें आपके सामने हम रख रहे हैं। लगातार मौसम यहाँ पर बदल रहा है। 6 मई को केदारनाथ धाम के कपाट खुलने वाले हैं और उससे पहले मौसम का मिजाज किस तरीके से यहाँ पर बदल गया है वो भी आपके सामने हम रख रहे हैं। हालांकि ये फुटेज पुरानी है, अभी भी लगातार वहाँ पर मौसम बदल रहा है और तस्वीरें वहाँ की हूबहू ऐसी ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। लगातार बरसात और बर्फबारी का दौर जारी है। तो देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, इसी तरीके से वहां पर बर्फबारी हो रही है और इस बर्फबारी के बीच में तैयारियों को भी और भी ज्यादा मुकम्मल करने की जरूरत है। 6 मई को केदारनाथ धाम के कपाट खुलेंगे और उससे पहले इस तरीके से वहां पर बर्फबारी हो रही है। और चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कांग्रेस की। कांग्रेस में पहले तो विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद बयानबाजी हुई और अब इस बात पर विवाद हो रहा है कि संगठन में बदलाव को लेकर हाईकमान ने सिर्फ कुछ ही नेताओं की राय ली है। इस बीच कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष करण महाराणे का कहना है कि पार्टी में अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं होगी, यानी कि उन्होंने भी सख्त लहजे में बागियों को इशारा दे दिया है। जो लगातार कांग्रेस को कमजोर करना चाहते हैं उन लोगों ने ये न्यूज चलवाई। अनुशासनहीनता को कांग्रेस बर्दाश्त करने के मूड में नहीं। विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद कांग्रेस दो धड़ों में बटी हुई है। ये बात कांग्रेस के कई नेताओं के मुंह से भी जाहिर हो चुकी है, मगर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा का कहना है कि पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक है और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। ये चीजें सामने आ जाएगी, हम लोग मंथन कर रहे हैं और हमारी कुछ चीजें हमारी जानकारी में भी है। और अगर विधायक नाराज होते तो मेरे से बात होती, मैं सब विधायकों के टच में, और आज मैं कह सकता हूँ आपके चैनल के माध्यम से सारी चीजें ठीक हैं, कोई ऐसी दिक्कतें नहीं है, कोई 10 विधायकों की मीटिंग नहीं हुई और जो नाराजियां थी उनको ठीक कर लिया गया है। पिछले कुछ रोज से चर्चा है कि संगठन में हुए बदलाव के बाद से कांग्रेस के 10 विधायक नाराज हैं। हरीश धामी और मदन बिष्ट तो अपनी नाराजगी खुलकर जाहिर भी कर चुके हैं। विधायकों की नाराजगी पर करण महारा का कहना है कि ये सिर्फ कोरी अफवाहें थी। न्यूज चैनल्स में चल रहा था कि 10 विधायकों की बैठक हो रही है, नई पार्टी का गठन होगा। भाई एंटी डिफेक्शन लॉ इस देश में है, हम लोकतंत्र में है, और वो हॉरिजेंटल और वो दोनों तरीके से देखा जाता है। ऐसा नहीं कि आप इतने उठे और चले गए। वो मीटिंग कहीं नहीं हुई जिसका बड़ा जोर शोर से हल्ला था कि 10 विधायक आज शामिल हो रहे हैं, शाम को होगी मीटिंग, कल को पार्टी टूट रही है। और मैं लगातार सबसे कह रहा था ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। कुछ लोग जो लगातार कांग्रेस को कमजोर करना चाहते हैं उन लोगों ने ये न्यूज चलवाई। करण महारा कह रहे हैं कि कुछ लोग कांग्रेस को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। महारा का इशारा आखिरकार किसकी तरफ है? महारा ने ये भी साफ कर दिया है कि बेवजह बयानबाजी करने वाले नेताओं पर पार्टी की नजर है। अगर किसी को कोई नाराजी है, कोई परेशानी है तो पार्टी के प्लेटफॉर्म में बात करें, मुझसे बात करना चाहते हैं करें, मेरे सीनियर से करना चाहते हैं करें, अगर वो हाईकमान से बात करना चाहते हैं करें। लेकिन उसके बाद मैं साफ स्पष्ट आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, अनुशासनहीनता को कांग्रेस बर्दाश्त करने के मूड में नहीं। इस बीच एक और चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई। विधायक प्रीतम सिंह ने पार्टी के कुछ विधायकों के साथ मीटिंग की। इस मीटिंग में खटीमा से विधायक भुवन कापड़ी, मदन बिष्ट और विक्रम नेगी मौजूद रहे। कहा जा रहा है कि प्रीतम सिंह अब अपने गुट के विधायकों को सक्रिय करने में लगे हुए हैं। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से पंकज राणा की रिपोर्ट।